हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र एक बार फिर रूबरू हूं आपके साथ एक नई वीडियो। दोस्तों, अब तक आपने देखा हमारे चैनल पे मैं अलग अलग प्लेसेस के अलग अलग टूरिस्ट प्लेस या टूरिस्ट पॉइंट्स या ट्रेवल पॉइंट्स जो भी अच्छे प्लेसेस थे उन सारे प्लेसेस के वीडियोस को रिव्यू कर आपके साथ में साझा किया। बट इस वीडियो में मैं किसी एक टूरिस्ट प्लेस को रिव्यू नहीं करना चाहता। इस वीडियो में मैं पूरे मुंबई को आपके साथ दिखाना चाहता हूं। जहां पे मैं हूं, यहां से कितना खूबसूरत दिखती है मुंबई, कितनी खूबसूरत दिखती है मुंबई, एक बार मैं कैमरे को पीछे की तरफ से दिखाना चाहता हूं। देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। आप संपूर्ण मुंबई को यहां से देख सकते हैं। जो सामने आप ग्रीनरी देख रहे हैं, ग्रीन गार्डन देख रहे हैं, यह महालक्ष्मी रेस कोर्स है। कितना खूबसूरत है। यहां सामने आप कैमरे को एक बार इस साइड मूव करता हूं, यह हाजी अली दरगाह है। और यह साइड आप गेटवे ऑफ इंडिया, चर्च गेट साइड और बहुत सारे अनेकों खूबसूरत से प्लेसेस हैं, यहां से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दृश्य है। एक बार मैं क्लोजली आपको ग्राउंड की तरफ दिखाना चाहता हूँ, नीचे की तरफ। ये देखिए, यहाँ से मानो खूबसूरती का एक अनोखा दृश्य देखने को मिलेगा आपको मुंबई के बहुत सारे बिल्डिंग। यहाँ से बहुत से ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो आप आसानी से देख सकते हैं, अगर आप वहाँ जा नहीं सकते। यहाँ से उसकी दूरी काफ़ी ज़्यादा होगी, बट यहाँ से कितनी आसानी और कितनी खूबसूरती से देख सकते हैं, इसका सीधा सा उदाहरण आप सामने देख कर लगा सकते हैं। सामने जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे हाजी अली साइड है। हाजी अली से आप यहाँ पेडर रोड होकर अंबानी के जो बिल्डिंग है, लता मंगेशकर के बहुत सारे एक्टर एंड एक्ट्रेसेस के बंगलो आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप जो है मरीन ड्राइव का खूबसूरत सा नज़ारा देख सकते हैं। वीडियो को एकदम पूरे बैक कैमरे से दिखाकर आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ किस तरह से कितनी खूबसूरत दिखती है मुंबई। मुंबई में अनेकों खूबसूरत प्लेसेस हैं और मुंबई एक टापू है। चारों तरफ से समुंदर की लहलहाती लहरें और बीच में मुंबई की बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें। यहाँ से जब आप मुंबई को देखते हैं, हर तरफ बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें और चारों तरफ से घिरे समंदर के बीच खूबसूरती का एक अनोखा दृश्य प्रस्तुत करती है। यूं ही नहीं, इसे लोग मुंबई मेरी जान कहते हैं। मुंबई पर एक गाना है जो काफ़ी फिट बैठता है, लाख लाख लोग आकर बस जाते हैं इस शहर से, दिल लगाकर बस जाते हैं। सोने की राहों में सोने को जगह नहीं, सोला है या है बिजरिया, दिल की बजरिया मुंबई नगरिया। तो ये आपने इस साइड का व्यू देखा। अब चलकर मैं आपको दूसरे साइड का व्यू दिखाता हूँ, कितनी खूबसूरत दिखती है हमारी मुंबई। ये देखिए आप, समंदर के बीच डूबते खूबसूरत और मुंबई की शान कितनी खूबसूरत होती है, आप ये वीडियो देखकर इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। कितनी बड़ी बड़ी, और ये आप नीचे एक जंक्शन शायद देख पा रहे हैं, अगर इतनी दूरी है जहाँ से मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, शायद आप देख नहीं पा रहे हैं। अगर देख पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि ये मुंबई का वर्ली नाका है। यहाँ से आप अलग अलग जगह जा सकते हैं। अगर वर्ली साइड जाना चाहते हैं, प्रभा देवी साइड या दादर या फिर गेटवे ऑफ इंडिया, चर्च गेट, मरीन लाइन, किसी और प्लेस पर जाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप आसानी से किसी दूसरे प्लेस पर ट्रैवल कर सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत सा दृश्य है मुंबई का। दोस्तों, अभी आपने वीडियो में देखा कि हमने फोर्ट साइड या महालक्ष्मी से आगे की वीडियोस, आगे के व्यूज़ आपको दिखाए। एक बार फिर से वीडियो में पीछे की तरफ से देखिए, ये वर्ली के आसपास का व्यू है, वर्ली एंड प्रभा देवी के आसपास का व्यू है। एंड सामने आप अगर देख पा रहे हैं तो देखिए, ये है बांद्रा वर्ली का सीलिंक, और यहाँ से आप दूरदर्शन टावर को कितने करीब से निहार सकते हैं। कितना ऐसा लग रहा है कि मैं दूरदर्शन टावर के बराबर के बिल्डिंग पे हूँ। ये देखिए चारों तरफ कितनी दूर तक फैली है हमारी मुंबई, कितना खूबसूरत, कितना मनोरम दृश्य है। और वो जो आप देख रहे हैं बांद्रा वर्ली सीलिंग, वहाँ से कनेक्टेड आप ये आगे सेम होने वाला है हाजी अली तक, एंड हाजी अली से इसे कनेक्ट कर मरीन ड्राइव तक जोड़ा जाएगा। शायद इसे इसलिए जोड़ा जा रहा है ताकि जो भी लोग बांद्रा साइड से आते हैं मुंबई के लिए, वो आसानी से और बेहद कम टाइम में मुंबई में अपने गंतव्य तक पहुंच सके। ये देखिए कितना खूबसूरत और कितना मनोरम दृश्य है। यकीन मानिए, कुछ मेरे पास इस तरह के वर्ड नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कितना खूबसूरत और कितना मनोरम दृश्य यहां से दिखाई देता है मुंबई के खूबसूरती। तो दोस्तों, जहां से जिस प्लेस से हम वीडियो शूट कर रहे हैं, ये 72 फ्लोर पर है, यानी कि 72वें फ्लोर पर आकर मुंबई की खूबसूरती को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यकीन माने, जब आप मुंबई को यहां से देखते हैं तो आप भरोसा नहीं करते हैं ये मुंबई है या दुबई। और सच में किसी दुबई से कम नहीं है हमारी मुंबई। अगर आप किसी दूसरे शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो एक बार ज़रूर आएँ मुंबई घूमने। चारों तरफ से घूम घूम कर आपको मुंबई के खूबसूरती को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये लोअर परेल एरिया है। ठीक इसके बगल
प्रभा देवी व परेल एरिया है। मेरे ठीक नीचे मुंबई की सबसे बड़ी चौल कहे जाने वाली बीडीडी चौल है। यहाँ पर लगभग 100 से अधिक बिल्डिंगें हैं जो सिर्फ 3-3 फ्लोर की हैं और ये ब्रिटिश काल के दौरान बनाई गई थी। मेरा नाम जितेंद्र है, मैं यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाता हूँ, अलग अलग प्लेसेस पे जाकर रिव्यूज़ भी करता हूँ, कुछ अच्छे वीडियोस भी होते हैं। अपने तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपके साथ अच्छी वीडियोस साझा करने के लिए। हो सकता है कि कुछ वीडियोस में कामयाब भी रह जाएं, तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हों, जब भी आप हमारी वीडियोस देखें आपको लगे कि यहाँ पे गलत है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं ताकि उस तरह की मिस्टेक हम किसी अगली वीडियो में दोस्तों ना। एक वीडियो बनाने के लिए कड़ी मेहनत और काफ़ी मशक्क़त करने के बाद एक वीडियो कम्प्लीट होती है, इतना आसान नहीं है यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाना। एनीवे, फिर भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशंस को अलाउ कर लीजिए ताकि जब भी हम किसी नए प्लेस की वीडियोस को अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको मिले। फिलहाल अभी सारी वीडियोस मुंबई के आसपास या मुंबई से सटे किसी शहर की वीडियोस आप देख रहे हैं, आगे और भी प्लेसेस की वीडियोस आपके साथ में साझा करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ ही मैं लेता हूं आपसे विदा, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अपना अपने लोगों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गुड बाय एंड बाय बाय मुंबई।